वेलकम टू YRY 18 लाइव। अगर एयर फोर्स ज्वाइन करना है तो फौजी बनकर दिखाओ, वरना घर जाकर बेलन चलाओ। इस फिल्म का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। यह फिल्म फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना के जीवन पर आधारित है। इसमें गुंजन सक्सेना का किरदार जानवी कपूर ने और उनके पिता का किरदार पंकज त्रिपाठी ने निभाया है। इस फिल्म पर भारतीय वायुसेना ने आपत्ति दर्ज की थी। वायुसेना का कहना था कि इस फिल्म में संस्थान और वहां कामकाज की शैली में जेंडर आधारित भेदभाव का गलत चित्रण किया गया है। गुंजन सक्सेना ने भी उस वक्त कहा था कि उन्हें अपने साथ के ऑफिसर्स, सुपरवाइजर्स और कमांडिंग ऑफिसर से सहयोग मिला था। गुंजन सक्सेना ने भारतीय युद्ध में भाग लिया था। उस समय बहुत ही कम महिला पायलट भारतीय वायुसेना में हुआ करती थी। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी, इसलिए इस फिल्म के किसी भी सीन के बारे में सेंसर बोर्ड कुछ नहीं कर सकता था। OTT प्लेटफॉर्म सेंसर के अधीन नहीं है, इसलिए यह फिल्म बगैर किसी काट छांट के OTP प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दी गई थी। हालांकि फिल्म के डिस्क्लेमर में साफ शब्दों में लिखा गया है कि यह फिल्म फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म को बनाने में फिल्म मेकर्स ने क्रिएटिविटी लिबर्टी ली है। सिनेमेटिक एक्सप्रेशंस के लिए नाटकीयता का सहारा लिया गया है। अब थोड़ी सी बात गुंजन सक्सेना के बारे में भी कर लेते हैं। गुंजन सक्सेना का जन्म 1975 में एक भारतीय सेना अधिकारी के परिवार में हुआ था। उनके पिता और भाई ने भारतीय सेना में काम किया है। गुंजन सक्सेना ने नई दिल्ली के हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना भारतीय वायुसेना की पहली महिला ऑफिसर बनी, जो पहली बार किसी युद्ध में, किसी लड़ाई में गई थी। उन्हें 1994 में 25 अन्य महिलाओं के साथ वायुसेना में शामिल किया गया था। गुंजन सक्सेना को कारगिल की लड़ाई में वीरतापूर्ण कार्य के लिए शौर्य वीर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। गुंजन सक्सेना ने एक IAF अधिकारी से शादी की है, जो पेशे से पायलट ही है। उनकी एक बेटी है जिनका नाम प्रज्ञा है। 2004 में 7 साल की सेवा के बाद गुंजन सक्सेना भारतीय सेना से रिटायर्ड हो गए। यह फिल्म उन्हीं के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म की काफी तारीफ हुई थी।